अर्चना हॉस्पिटल के पास में ये पिज्जे की दुकान है, आपको नीचे पता लगेगा जो बोर्ड लगा हुआ है। तो सर पिज्जा के सिवा यहाँ पर और भी कुछ है? हाँ, शेक है, रोल है, पास्ता है, बर्गर है। अच्छा अच्छा, यहाँ दोस्तों सुबह से घूम रहे हैं, अब हम कहाँ जाकर, अब रेस्टोरेंट में आए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट है पिज़्ज़ा, अब यहाँ पर हम पिज़्ज़ा खाएंगे। बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, 5 बज चुके हैं और सुबह से कुछ खाया ही नहीं है बिल्कुल, पागलों की तरह बस ऐसे ही टहल रहे हैं। अब चलो अंदर चलते हैं और पिज़्ज़ा खाते हैं और दिखाते हैं यहाँ का पिज़्ज़ा कैसा है। बड़ा मशहूर ही पिज़्ज़ा है नवाबगंज का ये, तो चलो अंदर चलते हैं। पिज़्ज़ा खाने के लिए ऊपर आए हैं। धो सबसे हाथ धो नहीं हाथ धो लो और सबसे ज़्यादा थक गए हैं। अब हमने हाथ धो लिए पिज़्ज़ा खाने के लिए, हमारे अकरम भाई और फुरकान भाई। अंदर जाना है इसके लिए, आप अंदर देख रहे हैं ये अंदर सारी एटमें, यहाँ पर इसमें पिज़्ज़ा खाएंगे आराम से सुकून से बैठ कर। नहीं मैं भी हाथ धोऊँगा, बोलिए सुबह से घुमा रहे हैं हमारे अकरम भाई जो है ना, ड्राइव यही कर रहा है गाड़ी को, ड्राइव यही कर रहा है हमारे अकरम भाई, ये खलेरे भाई। चलो अब चलते हैं पिज़्ज़ा खाते। नवाबगंज का मशहूर पिज़्ज़ा गो 99 पिज़्ज़ा, ये अभी जल्दी में ये पिज़्ज़े की दुकान खुली है यहाँ पर और बहुत ही दूरों दराज के लोग यहाँ पर पिज़्ज़ा खाने आते हैं। ये बहुत ही मशहूर नवाबगंज की दुकान है और बहुत ही स्पेशल पिज़्ज़ा आपको हर ब्रांड यहाँ पर मिलेगी। और अभी तो हमने खाया नहीं है, फर्स्ट टाइम हमारा यहाँ पर आना है और फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा खाना है। तो बने रहिए हमारे इसी व्लॉग में, हम आपको अंदर दिखाते हैं अंदर का शानदार व्यू, किस तरह से यहाँ पर बैठने की सुविधा है और किस तरह से यहाँ पर पिज़्ज़ा क्या क्या रेट पर दिया जाता है वो हमें आपको ये सर बताएँगे। सर तो भी अंदर गए हुए हैं, सर बताएँगे कि यहाँ पिज़्ज़ा के बारे में यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिलती है, क्या क्या चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती है और यहाँ पर क्या। यहाँ आप देखें टेबलें हैं सारी, यहाँ पर दो लोग पर्सनल बैठ सकते हैं और जो लोग अपनी GF के साथ आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। और ये बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए है। और ये हमारे देखो दोनों दोस्तों ने पिज़्ज़ा को कर दिया है ऑर्डर। और अरे पिज़्ज़ा क्या अकेले हम भी हैं नहीं है, हम तो है ना भूल बन जाना भाई, सुबह से घुमा रहे हो तुम तो इन्होंने पिज़्ज़ा कर दिया ऑर्डर। और ये है पार्टी रूम, यहाँ पर म्यूज़िक भी है, यहाँ पर जैसे कि जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं म्यूज़िक वगैरह। और ये आप देख सकते हैं कि बूफर लगे हुए हैं और पंखे की फैसिलिटी यहाँ पर दी है। यहाँ सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि फ़र्श और एक डेकोरेशन और यहाँ पर पार्टी सेलिब्रेटिंग जो भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ख़ास बात फ्रीज और यहाँ पर बैठने के लिए सबसे स्पेशल इंतज़ाम इन लोगों ने किया है। तो जब भी आप नवाबगंज में आएँ तो गो 99 पिज़्ज़ा को ज़रूर खाएं। अभी सर आपके यहाँ के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर जो पिज़्ज़ा होता है ना वो किस तरह का, क्या क्या तरह की ब्राइट है पिज़्ज़े की और क्या क्या प्राइस में यहाँ पर पिज़्ज़ा मिलता है। सर आएंगे तो हम अभी यह दिखाएंगे। सर अभी इसी काउंटर पर बैठते हैं जो आपके सामने है। अरे भाई क्या आपस में लड़ते रहोगे, कौन सा लगाए कौन सा नहीं लगाए। तो सर हम आप ये बताइए यहाँ पर जो आपने ये पिज़्ज़े का ये जो रेस्टोरेंट खोला, ये कब खुला है आपने? जी 9 तारीख को। तो यहाँ पर किस तरह का पिज़्ज़ा यानी कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पर किस तरह के पिज़्ज़े मिलते हैं, क्या क्या प्राइस में मिलते हैं यहाँ पर? 70 रुपये। अच्छा 70 रुपये से स्टार्ट है और 500 रुपये तक के यहाँ पर पिज़्ज़ा अवेलेबल है। अच्छा तो यहाँ पर पीपल्स भी आ सकते हैं मतलब? जी उनको भी अनुमति इजाज़त है, कोई एतराज़ तो नहीं है? अच्छा तो यहाँ पर शाम के वक्त ही खुलता है या मतलब बंद कर देता है कब? अच्छा सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक। तो सर ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक यहाँ पर पिज़्ज़ा की सुविधा जो है वो उपलब्ध है। तो यहाँ पर जब भी आप आएँ तो गो 99 पिज़्ज़ा ज़रूर खाएँ। ये आए नहीं बुजुर्ग। तो सर पिज़्ज़ा के सिवा यहाँ पर और भी कुछ है? हाँ शेक है, रोल है, पास्ता है, बर्गर है। अच्छा अच्छा यहाँ सारी चीज़ें हैं है। अच्छा तो यहाँ पर मतलब अगर कभी चीज़ अगर ये पिज़्ज़े चीज़ें बुक की जाएँ तो ये हो सकती हैं? अच्छा तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं यहाँ पर पिज़्ज़ा के अदरवाइज और भी सारी चीज़ें सर ने बताया है, बर्गर के लेकर सभी कुछ यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर पार्टी रूम भी है, अगर अपना बर्थडे कभी भी आप सेलिब्रेट करें तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। जो हमने आपको अभी पहले रूम दिखाया था फिर दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर होम थिएटर वगैरह और यहाँ पर पंखे की फैसिलिटी
और यहाँ पर कुर्सी वगैरह और लाइटिंग, यहाँ पर दोनों चीज़ों का इंतजाम किए हैं। तो बने रही हमारे इसी ब्लॉग में। हमारे अकरम भाई ऑर्डर कर रहे हैं, ये खान भाई बैठे हुए हैं। और सुबह से भाई मेरे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुबह से भूख लग रही थी। अब देखो कौन सा आ रहा है, कोई सा मंगा लो यार, हमें तो बड़ी ज़ोरों से भूख लग रही है यार। कैप्सी जो चाहे वो मंगा, मर्जी है सर आप। सुबह से ये लोग घुमा रहे हैं मुझे बाहर, बीसलपुर कहीं कहीं, बहुत ही ज़्यादा उतर रहे हैं, बिल्कुल थक चुके हैं सर, बिल्कुल थक चुके हैं। अरे जो भी पिज़्ज़ा मंगा लो यार, दस आ गया शाम आते वैसे ही बात कर लेंगे। जो यहाँ पर पिज़्ज़ा आएगा वो हम आपको देख लेंगे। तो बने रहिए हमारी इसी वीडियो में। और भाई साहब ये पिज़्ज़ा आ चुका है, एक ही में तीन लोग हैं। हाँ भूख लग रही थी, घर पास में है इसलिए इधर ही आ लिया है। बड़ा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा चल रहा है, बड़ा ही मशहूर पिज़्ज़ा है गो 99 पिज़्ज़ा। जब भी आपका आना हो तो ज़रूर यहाँ पर आना, ये बाईपास रोड, ये अर्चना अर्चना हॉस्पिटल के पास में ये पिज़्ज़े की दुकान है, आपको नीचे पता लग जाएगा जो बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों हमने अब खा लिया है पिज़्ज़ा, अब हम चलते हैं अपने घर। और उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो सबसे ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे हमें हौसला होता है ताकि हम आने से आगे नई अपडेट आपको दें। तो चलो चलते हैं अब अपने घर। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।